है जन्नत सी तू और इस मुल्क का ताज, लेके इस दिल में बेतहाशा प्यार और राज। तुझसे मिलने की ख्वाहिश ना जाने कितनी पुरानी, अब तक सिर्फ मैं था और मेरी कहानी। It's snowing, man, it's snowing. All right, guys, good morning from Srinagar and yet another beautiful day from Kashmir. फिलहाल मैं अपने होटल में श्रीनगर में और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं आज गुलमर्ग की साइड। अभी हम लोग तैयार और हो गए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। यहाँ मॉर्निंग एकदम फॉगी हो रही है, मस्त यहाँ के सिग्नेचर हाउसेस दिख रहे हैं, मतलब मज़ा आ रहा है, श्रीनगर की फील आ रही है, पूरी वाइब आ रही है। तो गुलमर्ग में आज स्नोफॉल होने का सीन है, लेट्स सी हम लोग लकी होते नहीं होते, हमें स्नोफॉल मिलता नहीं मिलता है। तो चलो ले चलते हैं आपको गुलमर्ग। होटल में ब्रेकफास्ट करके हम एक बार फिर निकले कश्मीर की ठंड खाने। All set for Gulmarg. What an amazing morning, Kashmir. श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस इज अराउंड 55 किलोमीटर्स, जो आप या तो अपनी पर्सनल कैब से जा सकते हो या फिर श्रीनगर के बट्टा मालू टैक्सी स्टैंड से सिर्फ 100 रुपए पर पर्सन की शेयर्ड कैब करके टंगमर्ग तक जा सकते हो, देन गुलमर्ग आगे एक और शेयर्ड कैब से। और जब इतनी ठंड हो तो चाय ब्रेक्स तो बनते ही हैं। फर्स्ट स्टॉप हम लोग थोड़ा बहुत चाय वगैरह पीने के लिए रुके हैं, तो मैं ग्रुप का इंट्रोडक्शन कराना भूल गया था। वी हैव श्रद्धा विद अस और हमारी मित्तल जी इनका तो हमने कराई दिया था, फोन पे लगे ने छोड़ो। वी हैव अमरीन विद अस जो इन्होंने अभी अभी सुबह सुबह ज्वाइन किया हम लोगों को। ये 5 जनों का ग्रुप हो चुका है, अभी आगे चलते हैं। फिर गर्मा गर्म चाय और आलू पराठे के बाद हमने अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करी। श्रीनगर से गुलमर्ग का रास्ता टंगमर्ग तक इज मोस्टली द प्लेन रोड्स और अब तो वादियां भी दिखनी शुरू हो गई थी। हम लोग गुलमर्ग पहुंचने वाले हैं, 15 किलोमीटर है यहाँ से। पीछे यहाँ पे शूज की दुकान है, ऊपर स्नो में यहाँ के लोकल शूज वगैरह चलेंगे जो हाई एंकल टाइप्स होते हैं। चलो लेते हैं रेंट पे और यहाँ से निकलते हैं गुलमर्ग। शूज एंड कोट फॉर हायर भैया दिलाएंगे हमें। मेक श्योर यहाँ पे स्नो जैकेट्स और गमबूट्स का साइज प्रॉपर हो, इट विल श्योरली गोना सेव यू। शूज और जैकेट्स के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम हो देन यू कैन विजिट दिस अमेजिंग ड्रंग वाटरफॉल विच इज जस्ट 4 किलोमीटर्स फ्रॉम टंगमर्ग। बट हम निकले सीधा गुलमर्ग और इन बर्फ के पैचेस को देख के सुपर एक्साइटेड, पर ये सिर्फ शुरुआत थी। ऑन द वे टू गुलमर्ग और फिर हुई एक छोटी सी बीटी। It's snowing, man, it's snowing. अगर टनमक से आगे स्नोफॉल हो रहा हो तो रोड्स पे काफी स्नो जम जाती है। हमारी अपनी कार रोड्स पे ना फिसले इसलिए मैं 4-5 किलोमीटर पीछे दोबारा टनमक आना पड़ा टू हायर द चेन वाली लोकल टैक्सीज। और अब तो टंगमर्ग में भी स्नोफॉल हो चुका था। इट वॉज द वाइजेस्ट डिसीजन। टंगमर्ग से गुलमर्ग की 10 किलोमीटर की ये दूरी अब एक जन्नत का रास्ता बन चुकी थी। बीच में हम लोग रुके हैं और आगे जाम लगा हुआ है, उसका वेट कर रहे हैं खुलने का। ट्रैवल में कितनी भी बीटी हो पर ये स्नोफॉल देख के सब निकल जाती है।
फिर इन रिस्की रास्तों को पार करके हम लोग फाइनली पहुंच गए गुलमर्ग। फाइनली इतनी ड्रीमी राइड के बाद हम लोग गुलमर्ग पहुंच गए हैं। दिस इज अनबिलीवेबल यार, क्या मौसम हो रहा है यहाँ पे, स्नोफॉल हो रहा है यार। गाइस कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है यार? पर गंडोला से पहले थोड़ी स्लेजिंग हो जाए। तो आप लोग गुलमर्ग आते हो तो आपको इजी गिर गए भाई, क्रैश लैंडिंग हो गई अपनी। टेक टू। सो गाइस हम लोग गुलमर्ग में है, स्नोफॉल हो रहा है और हम लोग स्लेज कर रहे हैं। मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है, फास्ट स्नोफॉल हो रहा है। पीछे हम लोगों ने क्या किया, पार्किंग से यहाँ पे आपको गाइड्स मिल जाते हैं, गाइड्स आपको हर जगह यहाँ के पॉइंट्स वगैरह घुमाते हैं, इवन गंडोला की टिकट्स तक थोड़ी सी अरेंज कराने में पॉसिबल कर देते हैं क्योंकि बहुत भीड़ रहती है कभी कभी। तो चलो यार चलते हैं, थोड़े बहुत पॉइंट्स घूमते हैं गुलमर्ग के, बाकी एंजॉय द वेदर यार, मेरे साथ पूरा एंजॉय कराता हूँ अभी मैं पूरा, बहुत मजा आ रहा है भैया। स्लेज का प्राइस वाज अराउंड 2400 व्हिच इंक्लूडेड 740 की गवर्नमेंट प्राइस गंडोला राइड, पर यहां आप इससे भी ज्यादा नेगोशिएट कर सकते हो। तो हम लोग जा रहे हैं गंडोला राइड करने, स्लेज वहां रोड तक छोड़ती है, उसके बाद यहां से गंडोला राइड होती है। हम लोगों ने टिकटें वगैरह ले ली है, एक्चुअली भैया ने अरेंज कर दी थी हमारे लिए, तो चलो चलते आगे। Welcome to Asia's largest and world's second highest cable car. हमने सिर्फ कॉन्गडोरी स्टेशन तक की टिकट्स ली थी, which is the zone 1. चलते थे बोलते। और इतनी स्नो कि विंडोज तक भी साफ करनी पड़ी। व्यूज वर बेयरली विजिबल, बट ये 9 मिनट की राइड इज अ टोटल वर्थ। फेज वन में पहुंच गए हैं, वाओ व्हाट अ राइड। कुछ दिख नहीं रहा था बिकॉज पूरा फॉगी हो रखा है, पूरे गंडोला पे बर्फ जमी हुई है शीशे पे, बट ठीक है जो है, अभी ज्यादा स्नोफॉल मिल गए, इतना तो चाहते भी नहीं थे। ऊपर पहुंचते ही हमें मिली सबसे क्यूट चीज। तुम्हें यहाँ पे आके एक चीज तो पता लग गई, स्नो जितनी अच्छी दिख रही है ना उतनी है नहीं, पूरे भीग चुके हैं हम लोग। फिलहाल हम लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं यहाँ से। फिलहाल हम फेज वन में है और यहाँ से फेज टू की भी जाती है गंडोला, हम लोग तो वहां तक नहीं जा रहे बिकॉज यहीं पे इतना स्नो है, पूरा व्हाइट है, कुछ दिख नहीं रहा दूर दूर तक का, बट आप लोग जा भी सकते हो। बाकी यहाँ पे करने के लिए स्लेजिंग भी है जो हम लोग नीचे कर चुके हैं, तो वो भी नहीं। यहाँ पे स्कीइंग भी है जो अराउंड 1500-2000 तक की हो जाती है, थोड़े बहुत स्कीइंग वगैरह सिखाते हैं। इतनी बर्फ में कैमरा और हाथ तक नहीं निकल रहे थे, स्कीइंग तो क्या ही करते बाबा। तो फिर कभी आएंगे ये भी करने, और ये सब देखते हम पहुंचे चाय कॉफी मारने। भैया कितने की कॉफी? पहाड़ का कॉफी, बर्फ का कॉफी, 50 रुपए का कॉफी, पर ठीक है यार यहाँ चलता है, इतनी दूर आया तो हो गया, तो मैं मजाक कर रहा था। उस दिन स्नोफॉल कुछ ज्यादा ही मेहरबान था हम पे। तो थोड़ी सी फोटोज, थोड़ा सा कंटेंट और वापसी। चलो भाई हम लोग अब चल रहे हैं वापसी गंडोला में, वापसी गुलमर्ग की साइड। वैसे तो किसी ऐसी जगह से जाने का मन नहीं करता, पर आज ऐसा लगा चलो भाई बहुत स्नो हो गई, इसलिए गुलमर्ग दोबारा आना तो बनता है। गंडोला के बाद अब बारी थी स्लेजिंग करके गुलमर्ग के कुछ पॉइंट्स घूमने की।
तो स्लेज पे बिठाते बिठाते भैया बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या क्या है गुलमर्ग में। क्या क्या है भैया? 18 होल गोल्फ कोर्स है। इतना बड़ा यहाँ पे पीछे मेरे, अभी तो कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि स्नो है, बट यहाँ पे समर्स के टाइम पे पूरा गोल्फ खेला जाता है। ग्रीन हट वहाँ पर हुआ चर्च, जब तक का जॉन मूवी वहीं पे बनी है। जिया रजिया गाना है ना, उसी पेड़ को वो पेड़ है। स्लेज के साथ बस ऐसी दो चार छोटी मोटी चीज बताने के इतने पैसे लेना, आई डिडंट फेल वर्थ। बट दिस नेक्स्ट पॉइंट वाज टोटली। थोड़ा सा चल के हम लोग ऊपर आए हैं, यहाँ का गुलमर्ग का व्यू पॉइंट है, यहाँ से पूरा गुलमर्ग दिखता है ऐसे 360। स्लेजेस पे नहीं आ सकते थे, ये थोड़ा यहाँ पे गिर रहे हैं लोग, गिर गई। तो अभी हम करने वाले हैं ये। अब ये थी ना कुछ अपने तरीके की चीज। तो अभी शाम के 5:30 बज चुके हैं, गुलमर्ग में थोड़ा सा मौसम खुल भी चुका है, स्नोफॉल भी हल्का हो चुका है, पीछे में पूरे अभी बर्फ के पहाड़ दिख रहे हैं। वाओ यार, अब दिख रही है यहाँ की असली ब्यूटी। पहले तो फॉग वॉग हो रहा था, पीछे यहाँ पे एक भोले बाबा का टेंपल भी है वो रहा, पर हम लोग वहाँ जा नहीं रहे क्योंकि लेट हो गए हैं। तो चलो, एक और रीज़न मिल गया गुलमर्ग आने का, ऐसा कहता हूँ मैं तो हमेशा यही कहता हूँ। तो चलो चलते हैं, अब यही तक का था गुलमर्ग, अभी देखते हैं आगे कुछ खाते पीते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मज़ा आया गाइस। यस। बाय द वे, गुलमर्ग के एडवेंचर सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होते, आप यहाँ हॉर्स राइड और ये स्नो बाइक्स भी चला सकते हो। शाम होते होते हमने गुलमर्ग के कैफे में तंदूर के पास बैठ के चाय और मैगी मारी और इस स्नोई डे को एंड किया।